मैं आप सभी के लिए आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी से कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा, तो मैं आपके लिए आज 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी 12th क्लास की फर्स्ट बुक कौन सी है, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बताया था मैंने इस पूरी बुक में, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय। यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे डेमोग्राफिक कंडीशन हो, एनीथिंग, हर चीज़ की सिचुएशन कैसी थी आज़ादी के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में, उन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में पूरे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इस चैप्टर की। कुछ बेसिक चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत किसका कॉलोनाइजेशन रहा, किसका उपनिवेशवाद रहा, अंग्रेजों का, ब्रिटेन का। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भारत में बहुत लंबे समय तक अपना शासन किया और भारत बहुत लंबे समय तक उनका गुलाम बना रहा। हम सभी जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, यानी लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत में शासन किया। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई भारत में। तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत में 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, यानी प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध के समाप्त होने के साथ ही भारत में अंग्रेजों का शासन लेनी यानी कि ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट होता है। ब्रिटिश रूल कब स्टार्ट होता है, 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। और ये युद्ध कब लड़ा जाता है, 1757 में लड़ा। ठीक है, तो 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। और ब्रिटिश शासन जब भारत में स्टार्ट हुआ, जब शुरुआत हुई भारत में ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत होने के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था ब्लीक होने लगी, यानी कि निराशाजनक स्थिति में जाने लगी। निराशाजनक स्थिति में कैसे जाने लगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, भारत से रॉ मटेरियल को यहाँ से लेकर जाती थी और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जाकर फाइनल गुड्स को बनाने के बाद भारत में उनको बेचा करती थी। यानी कि एज एग्जांपल मान लो ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या करता था, इंडिया से ले जाकर रॉ मटेरियल को ले जाता था ब्रिटेन इंडिया से, और लेके जाने के बाद अपनी इंडस्ट्री में चीज़ों को बनाता था और बनाने के बाद उन्हीं चीज़ों को कहाँ पर लाकर बेचा करता था, इंडियन मार्केट में लाकर बेचा करता था। इससे क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। तो भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का या फिर स्थापना होने का एक प्रमुख उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना और भारतीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य था सेल्फ प्रॉफिट, यानी कि अपना खुद का उद्देश्य, उनका महत्वपूर्ण प्रॉफिट, उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा ही अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए इंडियन इकोनॉमी को यूज यानी कि प्रयोग किया। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि उससे पहले इंडियन इकोनॉमी के जो वेरियस सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमिकल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, चाहे फॉरेन ट्रेड हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हर सेक्टर की सिचुएशन कैसी थी। पहले हम हर सेक्टर को समझने के बाद हम सभी चीज़ों को समझ लेंगे,
तो उसके बाद हम फीचर्स भी बता देंगे इंडियन इकोनॉमी के, किस तरीके जब हम सभी चीज़ों का माइंड करने के बाद हमारे फीचर्स भी इंडियन इकोनॉमी के पता लग जाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र आज मैं कराने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट मेन टॉपिक होगा वो यही होगा इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र कैसा था, वो इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर को आज हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब आज इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, तो फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को ही डिफाइन करेंगे इन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पता है क्यों मैं बताने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि भारतीय कृषि क्षेत्र की सिचुएशन कैसी थी, हाई वल्नरेबिलिटी यानी कि उच्च संवेदनशीलता, उच्च संवेदनशीलता का मतलब जो भारतीय कृषि थी हम सभी जानते हैं उस समय भारत में जो कृषि हुआ करती थी बहुत बड़ी मात्रा में किस पे डिपेंड हुआ करती थी, वर्षा पर निर्भर हुआ करती थी यानी कि रेन पर डिपेंड हुआ करती थी, यानी कि अगर रेन अच्छी हुई बारिश अच्छी हुई तो खेती कैसी होती थी, अच्छी होती थी, और बारिश नहीं हुई तो खेती खराब होती थी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किसमें थी, उच्च संवेदनशीलता में थी, यानी कि किसमें डिपेंडेंट हुआ करती थी, रेन पे डिपेंडेंट हुआ करती थी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण फीचर था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन ने सिंचाई के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं कराया, ना ही उसके लिए कोई प्रयास किया, जिस कारण से भारतीय कृषि क्षेत्र समय के साथ साथ पिछड़ता हुआ चला। इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर की सेकेंड फीचर क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स निम्न उत्पादकता, हिंदी में निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता का मतलब भारतीय कृषि क्षेत्र भले ही भारतीय पॉपुलेशन की बहुत बड़ी जनसंख्या किसमें लगी होती थी, कृषि क्षेत्र में लगी होती थी, और लगभग भारतीय पॉपुलेशन का 72% लोग इसमें कार्य करते थे, कृषि क्षेत्र में ही कार्य करते थे, यानी लगभग आधी 75% जनसंख्या किसमें कार्य करती थी, कृषि क्षेत्र में कार्य करती थी, बावजूद इसके क्या थी, निम्न उत्पादकता थी, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन होता था बहुत कम होता था, यानी कि जो भारतीय किसान होते थे, जो भारत के किसान होते थे उनको पेट भरने के लायक भी खेती नहीं कर पाते थे, भले ही उनका पूरा परिवार खेती में लगा हुआ हो लेकिन वो इस लायक खेती भी नहीं कर पाते थे कि वो अपने घर का खर्चा चला सके, यानी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, लो थी, यानी प्रोडक्शन बहुत कम होता था। तीसरा फीचर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश की दुर्लभता। निवेश की दुर्लभता मतलब कि जो भारतीय कृषि थी उस कृषि में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निवेश करने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमें पता है कि कोई भी सेक्टर होता है वो सेक्टर तभी विकास कर पाता है, तभी डेवलप कर पाता है जब उस सेक्टर में क्या हो, इन्वेस्टमेंट, और भारतीय के एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता था। और क्यों नहीं होता था, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छी सिचुएशन में नहीं था, यानी कि ब्लीक था। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि भारतीय कृषि में अंग्रेजों ने निवेश करने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस कारण से भारतीय कृषि लगातार पिछड़ती हुई चली। इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर के फोर्थ फीचर, ए वेज बिटवीन
लैंड ओनर्स एंड टेलर्स ऑफ द रॉ सॉइल, टेलर ऑफ द लैंड, यानी कि जो भारत में जो किसान होते थे, किसान क्या करते थे, उनके पास अपनी खेती नहीं हुआ करती थी, वो बड़े बड़े किसान यानी जमींदारों की खेती पर अपना खेती किया करते थे, उनकी जमीनों पर खेती किया करते थे। जो जमींदार होता था, बड़े बड़े जमीनों के मालिक होते थे, जो लैंड जो ओनर होते थे सॉइल के या फिर लैंड के, वो लोग क्या किया करते थे, टिलर्स को यानी कि भूमि पे खेती करने वालों को बहुत कम उत्पादन होने के बाद उसका शेयर देते थे, जिस कारण से भी भारतीय कृषि क्षेत्र की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। अगेन बता रहा हूँ, जो भारत के जो किसान होते थे और एक जमीनों के मालिक होते थे, उन जमीनों के मालिकों के जो बीच में गैप होता था वो लगातार इंक्रीज होता गया, यानी जो मालिक हैं जमीन के वो और अमीर होते गए और जो किसान हैं वो और गरीब होते गए, यानी उनका एक्सप्लॉयटेशन लगातार बढ़ता हुआ चला गया, जिस कारण से भी इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा था एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि अगेन बता रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, पिछड़ा हुआ था, क्यों था, क्यों बाद में पढ़ेंगे कि क्यों था, हमने उसका फीचर पढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर क्या थे, फीचर बताया मैंने, लो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो उत्पादन होता था बहुत कम होता था, भले ही भारतीय जनसंख्या का 72% एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑक्यूपेशनल होता था। अगेन स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो निवेश की दुर्लभता थी, दुर्लभता मतलब निवेश बहुत कम होता था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना तो सिंचाई के साधनों का विकास किया गया था, ना ही कोई अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया, यानी भारतीय किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। ए वेज बिटवीन लैंड ओनर्स एंड टिलर ऑफ द लैंड, यानी कि जो किसानों जो किसान होते थे और जो जमीनों के मालिक होते थे, जिनका बीच में गैप होता था वो बहुत बड़ा होता था, यानी जो किसान होते थे वो गरीब होते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, और जो ओनर होते थे सॉइल के या फिर लैंड के, वो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, जिस कारण से, और ना एक और बताया था मैंने, हाई वल्नरेबिलिटी, यानी कि उच्च संवेदनशीलता, उच्च संवेदनशीलता मतलब भारतीय कृषि किस पर डिपेंड हुआ करती थी, वर्षा पर, यानी कि रेन पर डिपेंड हुआ करती। ठीक है, ये हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर, यानी कि विशेषताएं क्या क्या थी भारतीय अर्थव्यवस्था की, कृषि क्षेत्र की, वो मैंने बताई। अगेन बता रहा हूँ, उच्च संवेदनशीलता थी, जो जमीन को किसान होते थे और जो मालिक होते थे जमीन को, उनके बीच में गैप होता था वो बहुत ज्यादा होता था, उसके बाद निम्न उत्पादकता होती थी और निवेश की दुर्लभता होती थी। ठीक है, ये थे हमारे फीचर्स कुछ इंडियन इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमें पता लगा कि इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, पिछड़ा हुआ, तो क्यों था। ठीक है, तो पता है कि आखिरकार था क्यों, तो उसके कई सारे रीजन थे, रीजन तो कई थे जो हमें इकोनॉमिस्ट बताते हैं, कई सारे रीजन बताते हैं, लेकिन उसमें जो मेन रीजन है उसमें तो दो मेन रीजन है। पहला रीजन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी प्रथा, तो अंग्रेजों ने बेटा क्या किया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम अपनाया था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को उन्होंने क्या नाम दिया था, जमींदारी प्रथा का नाम। अब इसमें था क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझनी कोशिश करना, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू के अंतर्गत अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो जमींदार हुआ करते थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, यानी कि जो सरकार हुआ करती थी और जो किसान हुआ करते थे, उनके बीच में ट्रायंगल मीन्स जो इनके संबंध थे उनमें त्रिकोणीय संबंध स्थापित कर दिया, मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारों को
सभी जमीनों का स्थायी मालिक स्वीकार किया। यानी अंग्रेजों ने बात कहनी कि भारत में जितना भी कृषि क्षेत्र है उसका मालिक कौन है, सिर्फ और सिर्फ जमींदार। क्या उसके मालिक है जमींदार, को इंग्लिश में भी जमींदार ही कहते हैं, ठीक है, जमींदार, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सभी भूमि का मालिक किसको माना, जमींदारों को माना। और मानने के बाद उन्होंने इसको एक राइट दिया, एक अधिकार दिया कि भैया तुम किसानों से जितना मर्जी टैक्स वसूल सकते हो, जितना तुम ले सकते हो किसानों से उतना टैक्स वसूलो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और इसको अधिकार दिया कि भैया तेरा एक काम है कि तुझे पर मंथ या फिर पर ईयर तुम मुझे इतना टैक्स कलेक्ट करके दे, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारों को जमीन का मालिक कह दिया कि भैया सारी जमीन किसकी है, जमींदारों की है, और उसको क्या करना है, किसान से कितना भी टैक्स वसूल सकता है, और मुझे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कौन टैक्स देगा, जमींदार देगा, ठीक है। इस कारण से जमींदार होते थे वो क्या करते थे, किसानों से मनचाहा टैक्स वसूला करते थे, यानी जितना चाहते थे जमींदार उससे ही ज्यादा किसानों से टैक्स पे करवाया करते थे, जिस कारण से किसान पहले से ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहे थे, यानी लगातार उनका शोषण हो रहा था। इसके कारण लैंड सेटलमेंट सिस्टम के कारण उनका शोषण और ज्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। इसी कारण से भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया, यानी पिछड़ गया, ठीक है। सेकंड रीजन था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय कृषि का व्यापारीकरण कर दिया। बेटा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है उसका मतलब क्या होता है, पहले वो समझे, जो कृषि का व्यापारीकरण होता है इसका मतलब होता क्या है, यानी कि अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए खेती करने के बजाय व्यापार, यानी कि प्रॉफिट के लिए जब हम खेती करते हैं तो वही खेती क्या होती है, कृषि का व्यापारीकरण, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जो भारत के किसान थे उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में व्यापारीकरण, फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित या फिर उनका शोषण किया, यानी उनसे जबरदस्ती करवाया कि भैया तुम क्या करो, ऐसी फसलें उगाओ जिससे क्या हो, हमारा प्रॉफिट हो। जैसे कि नील उस टाइम पे कमर्शियल क्रॉप हुआ करती थी, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फ्रूट क्रॉप को शिफ्ट करके कमर्शियल क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी, जिस कारण से भी भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया, यानी कि पिछड़ गया। अगला रीजन क्या था भारत के एग्रीकल्चर के पिछड़े होने का, जो मैंने पिछले टॉपिक में कराया था, स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारतीय कृषि में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, यानी लोग इन्वेस्टमेंट निवेश करने के लिए तैयार नहीं होते थे, जिस कारण से भी एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ता हुआ चला गया। और एक और जो मेन रीजन था वो था स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, इट मींस जो हमारे खेत हुआ करते थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुआ करते थे, जिस कारण से ज़्यादा पैसा लगता था और जो पैदावार होती, जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम होता था, यानी ज़्यादा पैसों में कम प्रोडक्शन होता था। इस कारण से भी भारतीय कृषि क्या हो गई, पिछड़ गई, बैकवर्ड हो गई। यानी कि अगेन बता रहा हूँ, स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, जो हमारे खेत हुआ करते थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हुआ करते थे, जिस कारण से भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा हुआ चला गया। क्यों, क्योंकि हमारे इसमें पैसे ज़्यादा लगते थे और प्रोडक्शन कम होता था, यानी उच्च लागत में कम प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। जब मैं इसी चैप्टर में आज अगेन इस टॉपिक को बता रहा हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा, मैंने पढ़ाया कि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने कहा कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है।
स्थापना होने के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद भी हो जाता है। और पता है कि उन्होंने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया, लगातार उसका शोषण किया, जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, एक बैक बढ़ हो गई, यानी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बन गई, गतिहीन अर्थव्यवस्था बन गई। और मैंने उसमें अगला मेन जो फर्स्ट टॉपिक कराया आज एग्रीकल्चर सेक्टर कराया कि आज़ादी के समय भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र कैसा था। तो मैंने बताया, पहला फीचर बताया लो प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि कम उत्पादकता थी, यानी प्रोडक्शन कम होता था भले पूरी जनसंख्या उसमें लगी हो। सेकंड बताया हाई वल्नरेबिलिटी, यानी कि उच्च संवेदनशीलता, यानी कि हमें रेन पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता था। अगला बताया स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश कम होता था, इन्वेस्टमेंट लोग कम किया करते थे कृषि क्षेत्र में, जिस कारण से भी वो पिछड़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने कराया क्यों पिछड़ा हुआ था, मैंने कराया लैंड सेटलमेंट सिस्टम अपनाया, जमींदारों को क्या किया गया इसके अंतर्गत, जमीनों का मालिक बनाया गया, और क्या किया गया, किसानों से मनचाहा वसूल टैक्स किए, टैक्स वसूला करते थे, जिस कारण से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता था और कृषि क्षेत्र पिछड़ी हुई चली गई। अगला है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में क्या किया, कृषि का व्यापारीकरण किया, यानी कि भारतीय कृषि को के व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। और लास्ट स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्मॉलर फ्रैगमेंटेड लैंड, यानी जो हमारे खेत हुआ करते थे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हुआ करते थे, जिस कारण से भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का पार्ट टू लेकर आऊंगा, उसमें मैं कराऊंगा आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी हमने करा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें कराऊंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र कैसा था भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, और आने के बाद आपको बहुत जल्द मजा आने वाला है सेकंड वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द।